सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन गाइस। सो गाइस, ये वीडियो फिलहाल अभी सुबह के 6 बजे और अभी ये स्टार्ट हो रहा है भाई। तो क्या मौसम कर दिया भाई, और अभी फिलहाल ये वीडियो आप लोग देखने वाले, ये वीडियो एलिफेंटा का मुंबई का भाई, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो चलो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लेना भाई। कुछ लोग मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो गाइस, एलिफेंटा जाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गेटवे, और गेटवे के पास से ही आपको वहाँ पर शिप मिलेंगे, मतलब जहाज़ मिलेंगे, और वहाँ से आपको फिर जाना पड़ेगा एलिफेंटा के लिए। आपको जहाज़ मिलेगा, फिर वही जहाज़ पर बैठ कर आपको एलिफेंटा ले जाएगा वो सब। तो वहाँ का जो टिकट है वो 400 है। फिलहाल अभी हम लोग बैठने जा रहे हैं, तो फिलहाल एलिफेंटा के लिए ये देखो, हम लोग का जो शिप है वो आ चुका है। तो अभी फिलहाल बैठते हैं और निकलते हैं। बाकी बात ये सामने देख लो भाई, ताज होटल था, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, ठीक है। और काफ़ी औसम लग रहा है भाई, क्योंकि मैं पहली बार इतना बड़ा नाव पे बैठा हूँ, मतलब जहाज़ है ना भाई, तो पहली बार इतना बड़ा जहाज़ पे बैठा हूँ, तो काफ़ी औसम लग रहा है। बाकी बात देखो इधर का क्या औसम व्यू है भाई, तो बहुत ही ख़तरनाक। और ये देखो, ये दूसरा शिप था जो उधर से आया एलिफेंटा से। बाकी ये जितने सारे शिप देख रहे हैं आपको, सारे वो एलिफेंटा ही जाते हैं भाई, ठीक है। और कितने सारे लगे हुए हैं भाई, देख लो भाई। बाकी बात आगे तो अभी और है, तो क्या कहने। देखो यहाँ से पूरा ताज होटल आपको कितना औसम व्यू, फ्रंट का व्यू, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। मुंबई का पूरा देख लो भाई, यहाँ ताज होटल और बाकी बात गेटवे। तो फिलहाल इधर का देखो, किनारे में कितना सारा क्रेन लगा हुआ है, जो कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, इसलिए इतना सारा लगा हुआ है। तो फिलहाल देखते हैं अभी कि अभी मेरे को पता चला कि जाने में लगभग 2 घंटा लगते हैं और आने में भी 2 घंटा, तो काफ़ी ज़्यादा ये टाइम है, 2 घंटा भाई कम नहीं है। हम दूर भागे तेरे बिना, गाय हम से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। अभी फिलहाल हम लोग तो पहुंच चुके हैं एलिफेंटा। ये देख लीजिए सामने वाला पहाड़, जो भीड़ दिख रहा है भाई, थोड़ा सा वही एलिफेंटा है, तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो कितने सारे शिप जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे जहाज़ हैं। और अगर आपको उतरना रहेगा तो ऐसे उतरना पड़ेगा भाई, जहाज़ एक जहाज़ से उतरिए, फिर दूसरा जहाज़ पर ऐसे चढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे करते करते हुए वहाँ पर पहुँचना है। तो फिलहाल अभी वैसे ही चलना पड़ेगा हम लोग को, अभी तुरंत वहाँ जाती हैं। और देखो ये है एलिफेंटा का एंट्री गेट, एंट्री एग्जिट, यही दोनों गेट है। इधर से ही आपको आना भी पड़ेगा और जाना भी। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है भाई, क्योंकि ये एलिफेंटा और यहाँ पर पुराने पुराने गुफाएं हैं, तो वही इसी के लिए यहाँ पर बहुत कोई आते। तो फिलहाल चलते हैं। और बाकी ये देखो साइड में ये ट्रैक बना हुआ है, इसमें यह चलता है छोटा सा ट्रेन। अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो इसका आप हेल्प ले सकते हो और इससे जा सकते हो, ठीक है। और बाकी बात साइड में देखो, गंदगी तो काफ़ी ज़्यादा है साइड में, इस ओशियन में साइड साइड में रहता है। बाकी बीच में भी जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर था भाई, बहुत ही साफ़ था। और बाकी देख लो इधर, यहाँ पर टिकट कटवाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ऊपर चढ़ते चढ़ते ये देखो सीढ़ी बना हुआ है और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और बाकी बात देख लो भाई पीछे का सीन, और ये देखो, तो ऐसा ही करते करते आपको बहुत दूर तक चढ़ना पड़ेगा भाई। ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना, ओ सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, ओ तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। तो भाई यहाँ पर बस टिकट आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही अंदर जाने मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पर एलिफेंटा के ये पुराने गुफाएं हैं, इसी के लिए यहाँ पर सबको आते हैं भाई यही गुफाएं देखने के लिए। पर ये गुफा काफ़ी ख़तरनाक है भाई, और बड़े बड़े पिलर्स देखो कितने बड़े बड़े। बाकी बात इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे ये मूर्ति बनाए गए हैं भाई, पूरा पत्थर को काट काट कर बनाए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, हर जगह पूरे दीवार में ऐसा।
यहाँ पर आपको वीडियो करने के लिए मना करते हैं, वीडियो यहाँ पर नहीं करने देते हैं, सिर्फ फोटो आप ले सकते हैं। पर फिर भी मैंने आप लोग के लिए वीडियो यहाँ पर जैसे तैसे करके बना लिया भाई। तो फिलहाल देख लो अभी ऐसा ऐसा गुफा बहुत सारा है यहाँ पर भाई, बहुत सारा है। तो देखो क्या खतरनाक है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है भाई। और यहाँ पर ये आर्ट काफ़ी खतरनाक लग रहा है, ये सब मूर्तियाँ तो और खतरनाक है। यहाँ मूर्तियाँ के लिए बहुत कोई आते हैं। बाकी बात यहाँ पर शिवलिंग भी है। कैसे नाचना चाहे ओ मेरे तू दुश्मन होना दुश्मन कैसे, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा था भाई, और अभी कंस्ट्रक्शन और चल रहे हैं, इसको और बनाया जा रहा है अभी धीरे धीरे करके। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह का पूरा खतरनाक बनाया जा रहा है। गार्डन वार्डन सारा अभी बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्शन अभी पूरा चल रहा है यहाँ पर। बाकी बात देख लो इधर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं भाई, इसको काट के इधर से रास्ता ही बनाया जा रहा है। चल भाग चले कहीं आ, जहां रात कटे वहीं आ, एक साथ पले हाला। चल भाग चले कहीं आ, जहां रात कटे वहीं आ, एक साथ ढले अब आ। हाँ कुछ जूली ली ली धन तेरे किट धा धा धा, हाँ कुछ जूली धन तेरे किट धा, हाँ कुछ जूली ली ली धन तेरे किट धा। यहाँ पर बहुत सारे गार्ड रहते हैं जो आपको मना करेंगे वीडियो के लिए, पर आप फोटो ले सकते हो, वीडियो के लिए मना किया जाता है। तो फिर भी मैंने ऐसा करके बना लिया। और बाकी ये बाहर का सीन देखो, बाहर का सीन कितना खतरनाक लग रहा है। फिलहाल हम लोग दूसरा गुफा जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे गुफाएं भाई। बाकी बात बंदरों का तो यहाँ ढेर लगा रहता है, अगर आप कुछ भी लेके जा रहे हो तो वो छीन के अपना भोजन बना लेते हैं भाई। वाओ कितना खतरनाक किया भाई तो ये खतरनाक था भाई। और इसका देखो, इसका बेबी कितना छोटा है, बिल्कुल पकड़ के रखा है। खामोशी सहना ये नहीं जरूरे, खामोशी सहना ये नहीं जरूरे। बाकी कचरा देखो इधर, और नीचे का व्यू देखो, क्या मौसम खतरनाक लग रहा था। पहाड़ों के बीच पे ये पूरा था भाई। वो काफी खतरनाक है, ये पहाड़ों में पूरा बनाया गया भाई। देखो एक और यहाँ पर है, ऐसा ऐसा बहुत सारा यहाँ पर है भाई। अभी फिलहाल ये दूसरा है, तो दूसरा भी देख लो आप लोग। और ये दूसरा एक और है, मतलब कितना दूसरा तीसरा मैं बोलते जा रहा हूँ, पर बहुत सारा है यहाँ पर। तो ये है नेक्स्ट वन। तो फिलहाल देखो ये भी उसी टाइप का है, सारा जो गुफाएं इसी टाइप का भाई। बस दो चार रूम है इधर साइड में, बाकी बात पिलर्स है बस ऐसा। Se la
हम तुम यहाँ है, उलझन हवा में अनाम गिर ही रहा है, कैसा कुआ है वक्त अब खुदा ही जाना। तो फिलहाल चलो यहाँ से निकलते हैं भाई। और ये देखो उसी तरह का मैं बोला, सारा जो गुफाएं हैं वो सिमिलर है एक तरह, मतलब सारा गुफा एक ही जैसा दिखने में लगता है। बाकी बात यहाँ पर भी थोड़े थोड़े तराश रहे थे, पर वो मूर्ति बनाए जा रहे थे तो मूर्ति भी बनेगा इसमें शायद, काम तो अभी चालू है भाई यहाँ का। और ये देखो भाई रियलिटी, काफ़ी ख़तरनाक लगती है, मोटे मोटे पिलर्स देखने में ठीक लगते हैं। बाकी बात वो देखो छोटा सा यहाँ पर पोर्ट देख लो, जवाहरलाल नेहरू, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा पोर्ट है भाई, इंटरनेशनल पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू। और बाकी बात उसके साइड में ही पूरा एक छोटा बस्ती बसा हुआ है। बाकी बात ये पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पर बड़े बड़े शिप्स आते हैं और वहाँ से जो सामान होते हैं वो निकाले जाते हैं। तो देखो ये वाला काफ़ी ख़तरनाक लगता है भाई। आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना, जज्बात में खो लेना। ओ मेरी हेर हो ना खफा, ओ मेरी हेर जल ना रुला, ना कर आफला लबरेज कर ना बिजा। दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा। लाल ये देखो भाई, अभी ये दूसरा गेट है, यहाँ से क्या है ना भाई, इससे चढ़ने से आपको मिलेगा एक पुराना जो चलते थे पहले इंडियन आर्मी में, वो वाला बोट मिल, मतलब वो वाला यहाँ पर तोप है भाई, तोप काफ़ी ख़तरनाक टाइप का बड़ा सा तोप है यहाँ पर, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी और ऊपर। बाकी बात ये देखो ब्रिज क्या बने हुए भाई, यहाँ पर पूरा ओशियन में बनाए गए यार। और ये देखो ये तोप है, वो इंडियन तोप यहाँ से चलाया करता था पहले, पर अभी इसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। काफ़ी ख़तरनाक है भाई, मैंने पहली बार ऐसा अपना ज़िंदगी में तोप देखा है भाई जो कि रियल है बिल्कुल। पहले ये यूज़ किया जाता था इंडियन आर्मी के द्वारा, पर अब इसको बंद कर दिया गया है। फ़िलहाल ये तो शोकेस बन चुका है अभी, बस शो पीस है ये। और एक तोप यहाँ, एक तोप अभी थोड़ा सा 500 मीटर और चलने के बाद एक तोप आपको और मिलेगा, तो वो तोप भी ये है, ये नहीं, ये नहीं है भाई, ये तो पहला ही तोप है। तो दूसरा तोप आपको चलने के बाद वहाँ से आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बिल्कुल क्लीन दिखेगा, बिल्कुल साफ दिखेगा वहाँ से। और जो बस्ती था छोटा बस्ती वो वाला भी दिख जाएगा भाई। तो फिलहाल यहाँ पर देखो फोटो वोटो सब खिंचवा रहे हैं, ठीक है। और साइड में देखो समुद्र है जो कि यहाँ पर रहते हैं लोग, और वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जहाँ से इंटरनेशनल जो सामान आते हैं उसको अनलोड किया जाता है। तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर ये पूरा, उधर से जो है ना वो पुल बनाए जा रहे हैं, वो रोडवेज बनाया जा रहा है ताकि रोड से मतलब गाड़ी से सामान आए और यहाँ पर फिर से लोड हो। और बाकी बात फ़िलहाल ख़त्म हो गया भाई, इतना ही था एलिफेंटा का जर्नी। अब फ़िलहाल चलते हैं हम लोग वापस ताजमहल, और सॉरी भाई सॉरी ताज होटल और गेटवे के पास अभी फिर से हम लोग को जाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर हम लोग को टैक्सी करना पड़ेगा, तो टैक्सी से हम लोग फिर जाएंगे रूम पे। तो फिलहाल अभी बैठते हैं और चलते हैं। बाकी बात यार पानी जो है ना वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा खारा है पानी, खारा पानी, और अगर आप हाथ रखिएगा पानी में ना तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लगेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे लगेगा। तो पानी ठंडा था, सब जो बीच में था पानी वो बिल्कुल क्लीन था, और साइड साइड वाला पानी गंदा था थोड़ा। बाकी बात देखो क्या झाग बना देता है भाई, इतना स्पीड चलता है और ऐसा पानी काटते काटते ये जो बोट का टायर है वो भी पूरा घिस गया है। हेलो। ओ हाय डैड।
I don't know, I mean, whether you will have time or not. I wanted to ask you. Shh. छोड़ो ना हौसला, सीधो ना हौसला, जाना है दूर तुझे। बिल्कुल ऐसा ही। और बाकी बात यहाँ से देखो, मुंबई का जो सीन है पूरा मुंबई दिख रहा है भाई इधर साइड से। सो गाइस, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा भाई। बाकी बात, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा था भाई। हाँ, वीडियो लंबा बहुत था भाई, क्योंकि मैं सोच रहा था दो पार्ट लाऊं, पर एक ही पार्ट में ला दिया, क्या करूँ भाई। तो चलो, वीडियो को जैसा भी था वैसा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी बात, चैनल से नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, भाई का चैनल कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब मार दो। तो चलो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद रिटायर्ड, बाय बाय एंड बी हैप्पी।